प्रिय छात्रों, हमारे चैनल माई टारगेट पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 का बायोलॉजी का अध्याय 1 जैव प्रक्रम और पोषण का तीसरा वीडियो लेक्चर है। मीकि वीडियो नच्चिनट्लयिते लाइक चेयंडि, शेयर चेयंडि, सब्सक्राइब चेयंडि। रेगुलर नोटिफिकेशन्स कोसम बेल बटन नि प्रेस चेयंडि। दूसरे वीडियो लेक्चर में हम लोग ने पढ़े थे कि पोषण क्या है, ठीक है। अब पोषण के प्रकार पढ़े थे, तो पोषण बताया था कि पोषण क्या है, और पोषण दो तरह के होते हैं। पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण में सभी पौधे आते हैं, और परपोषण में हम सभी जीव जंतु और अन्य प्रकार के पौधे भी आते हैं। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस सब आते हैं, ठीक है। तो देखिए, उसमें का हमने परपोषण तीन तरह का होता है। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। तो हम लोग तीसरा इस वीडियो में जानेंगे। प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो मीन्स होता है पूरी तरह से, जोइक मीन्स होता है प्राणी जैसा, यानी कि जो जीव पूरी तरह से जंतुओं जैसा भोजन ग्रहण करता है, जैसे हम ग्रहण करते हैं वैसे वो ग्रहण करे, तो वो क्या कहलाएगा? प्राणी संपोषी जीव कहलाएगा, और यह प्रक्रिया प्राणी संपोषण कहलाएगी, ठीक है। तो जो हमारी तरह भोजन ग्रहण करता है, तो जैसे इसका परिभाषा देख लीजिए, डेफिनेशन, कि वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के तरीके द्वारा ग्रहण करता है, वह पोषण प्राणी संपोषण कहलाता है, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, और जो इसमें जीव आते हैं उनको प्राणी संभोजी या प्राणी संपोषी कहते हैं। जैसे अमीबा भी है, अमीबा उसी तरह कूटपाद निकल कर अपना भोजन पकड़ता है, बिल्कुल हमारी तरह। मेढक भी, मानव भी, और सभी जो जीव जंतु है, गाय भैंस बकरी जो भी दिख रहे हैं आप, सभी के सभी आ जाएंगे प्राणी संपोषण में। तो पोषण पर जितने भी प्रश्न हैं उसको देखिए, आप प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि पोषण क्या है, पोषण के प्रकार का वर्णन करें। तो जो दूसरे वीडियो लेक्चर में है और इस वीडियो लेक्चर में उसी को लिखना है, ठीक है। अब पूछ सकता है आपसे प्रश्न कि स्वपोषण क्या है, तो लिखवा अगले वीडियो लेक्चर में बताए हैं दूसरे वाले में, आप देख लीजिए उसमें से उसी बात को लिखना है। तीसरा, मृत जीवी पोषण से आप क्या समझते हैं, इसका भी परिभाषा लिखना है, और एग्जांपल दो, एक आध दो दे देना है। चौथा है परजीवी पोषण क्या है, इसका भी वही काम करना है। पांचवा है कि प्राणी संपोषण क्या है, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा, तो अभी इसका परिभाषा आप दे देंगे। जो छठवा पे छः से लगे जो 12 तक प्रश्न है आप लोग के लिए है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, नीले पेन से लिखा हुआ, इसका आप लोग को जवाब मुझे कमेंट में देना है। पहला है, छठवां नंबर है कि पौधे किस प्रकार के जीव हैं, ठीक। सातवां, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। आठवां, अपघटक का उदाहरण दे, एक उदाहरण दे दीजिए। नौवां, अमरबिल किस तरह का पौधा है। और दसवां, परजीवी अपना भोजन जिससे प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक। और ग्यारहवां है कि मृतजीवी अपना भोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक। और बारहवां है कि मनुष्य किस तरह का जीव है। आगे हम लोग को इसका आप लोग कमेंट में इसका जवाब दें, और उससे पहले आप लोग से कह दूं कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा सारा वीडियोस का प्लेलिस्ट आपके यूट्यूब यानी आपके जो मोबाइल है उससे जुड़ जाए, जिससे आप मेरा सारा का सारा वीडियो देख सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए दबा दें, ताकि आप पूरा नोटिफिकेशन पा सकते हैं। और फिर और कुछ करनी, शेयर करना है अब, जिससे मेरा मेहनत बेकार ना जाए, ठीक है। क्योंकि ये समझिए कि आप गुरु का ही काम कर रहे हैं, गुरु के काम करने में कोई दिक्कत नहीं। आगे से तब देखिए अगला पॉइंट, बढ़िया पॉइंट है, क्या कहा जाता है कि पोषण की आवश्यकता, रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, ये क्या कहते हैं।
क्यों होता है आवश्यक पोषण? जरूरी क्यों है भाई पोषण हमारे शरीर में या किसी के भी जीव के शरीर में? तो लिखा है इसमें कि जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जो संचालन करना हो उनका, जैसे बोलना, हंसना, खेलना, कूदना, ये सब जैविक क्रियाएं हैं। उस शरीर की वृद्धि करना हो, जो टूटे फूटे शरीर के भाग हो उनको ठीक करना हो, हड्डी टूट जाए, चाहे कोशिका टूटे हो या कोई भी चोट लगा हो उसको ठीक करना हो, सभी कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की जरूरत होती है। ठीक है, ऊर्जा चाहिए होता है। ऊर्जा तो ऊर्जा कहाँ से आएगी भाई? तो ऊर्जा वो क्या करता है कि जो जीव भोजन ग्रहण करता है उसी से ऊर्जा प्राप्त करता है। तो वो पोषण की क्रिया से वो ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, तो इससे प्रश्न आएगा कि भाई जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसका जवाब दे देंगे। अगला जो इसमें प्रश्न है इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएं जी। कि दूसरा है कि जीव किस तरह क्रिया से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट में देकर बताएं। अगला पॉइंट हम लोग को पढ़ना है पांचवा, कि जीवों में पोषण प्राप्त करने के लिए विधियाँ, यानी किन किन कोई जीव अब किस तरीके से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो जैसे जीव दो तरह के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, कोशिका के आधार पर। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनका पूरे शरीर से ही खाद्य पदार्थ, जो खाने वाला पदार्थ है, पूरे शरीर से ग्रहण कर लेते हैं। जबकि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय और जटिल, जिनकी कोशिका ज़्यादा होती है, ज़्यादा का मतलब बहुत सारा, जैसे हम लोग ना और अन्य जीव जंतु, उन लोगों के लिए इसके लिए खास अंग होते हैं। वो पूरे शरीर से अपना तो भोजन ग्रहण कर नहीं सकते, हमारे शरीर से भोजन आता नहीं, हमारे अंदर हमारे मुंह से आता है। ठीक है, इसलिए हमारा हमारे लिए खास अंग बना हुआ है। तो इस पर प्रश्न क्या है कि एक कोशिकीय जीव अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं, तो इसका जवाब भी मुझे कमेंट में करके बताएं। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।